क्राइम ब्रांच ने मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले दो गिरोह का पर्दाफाश किया। ये खबर दिखा रहे हैं आपको पंचकुला से, जहां पर 7 आरोपी काबू किए गए और चोरी की 20 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं रितेश कुमार की रिपोर्ट। डीएसपी अमन कुमार जो हैं उनकी टीम ने इसको बस्ट किया है। इसमें इस गैंग में अभी तक जो हैं वो 4 जो मुलजिम हैं वो उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनमें विकास उर्फ रोहित हैं, ये बिटना कॉलोनी पिंजौर के हैं। भरत उर्फ नेपाली हैं, ये भी विश्वकर्मा कॉलोनी पिंजौर का रहने वाला है। धीरज ये भी सैनी मोहल्ला पिंजौर से हैं, और कमल उर्फ धोता ये भी सैनी मोहल्ला पिंजौर से हैं। इन जो मुलजिमों से हमने 11 मोटरसाइकिल जो हैं वो बरामद किए हैं। इनका भी गैंग था और ये चुरा के आगे अन्य जो कबाड़ी थे, कुछ पिंजौर के क्षेत्र में ही हैं, कुछ हिमाचल के क्षेत्र में, वहाँ पे दे देते थे। और इनके साथ कुछ जो इनकी गाड़ियाँ थी वो इन्होंने काटी भी हैं, और वो तोड़ के लगभग ऐसी 4 जो मोटरसाइकिल हैं वो ऐसी बरामद हुई हैं जिनको इन्होंने कर दिया था। उनके भी कुछ हिस्से पुर्जे जो हैं वो हमने बरामद किए हैं। तो कुल मिला के ये जो दोनों गैंग्स हैं, इससे क्राइम 26 की टीम ने, जिसको अब पहले इंस्पेक्टर और अब DSP अमन कुमार जिसको हेड कर रहे हैं और जिसकी सुपरविजन ACP विजय राजकुमार कर रहे हैं, कुल मिला के 20 मोटरसाइकिल्स और 4 उनमें से ऐसी हैं जो कटी थी, और एक शीशा तोड़ के जो सामान चुराने वाली जिसमें बैग चुराया गया था वो वारदातें जो हैं वो हल। इलाकों में ये करते थे वाले, देखिए जो दूसरा गैंग जिसमें मैंने 4 लोग बताए, वो ज़्यादातर पिंजौर कालका क्षेत्र के ही ये एरियाज़ हैं, वहीं पे ही FIRs दर्ज हैं। उन FIRs का जो ब्यौरा है वो भी आपको दे देंगे। और जो ये वाला गैंग है इनका सुनील और रमन वाला, ये मुख्य तौर पे सिटी एरिया में भी ऑपरेट करते थे और बाकी अन्य थानों में भी इनके चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। और भी कुछ तार रुक सकते हैं जिस प्रकार से जांच चल रही है, और देखिए हमारी उम्मीद है, अभी तक ये काफ़ी TDS प्रोसेस था इनसे इंटेरोगेशन का और इनसे इसमें रिजल्ट लाने का, क्योंकि ये कहाँ पे डिस्पोज ऑफ करते थे, कहाँ पे ले जाते थे। एक में ये जो मिस्त्री है वो अंबाला का है, अंबाला का है, और बाकी जो हैं जैसे मैंने बताया सूरजपुर, धर्मपुर इत्यादि। तो जैसा कि बाइक्स का होता है, और इस माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा सभी जो नागरिक हैं कि कृपया अपने मोटरसाइकिल्स को जो डेजिग्नेटेड पार्किंग्स हैं उन्हीं में ही खड़ा करें, और केवल पार्किंग फी बचाने के लिए या उसमें 5-10